देखो फाइनली टाटा मोटर्स ने कर्व इस कूपे स्टाइल एसयूवी कार को इंडिया में रिवील कर दिया है, लेकिन इस कार की जो कीमत रहेगी यानी इसकी जो प्राइस रहेगी उसको 7 अगस्त को अनाउंस किया जाएगा और शायद 7 अगस्त से ही इस कार की बुकिंग्स भी स्टार्ट हो सकते हैं। इस कार का मुकाबला अब क्रेटा के साथ रहेगा, सेल्टोस के साथ रहेगा। इसी सेगमेंट के अंदर ये कार आने वाली है क्योंकि इस सेगमेंट के अंदर आज के डेट में आपको कोई भी टाटा की कार देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि पहले ये बोला जा रहा था कि टाटा मोटर्स ब्लैकबर्ड नाम की एसयूवी कार इस सेगमेंट के अंदर उतारने वाली है, लेकिन उसके रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स टाटा मोटर्स को फेस करने पड़े और उसी वजह से टाटा मोटर्स ने कर्व इस कूपे स्टाइल एसयूवी कार को इस सेगमेंट के अंदर उतारने का फैसला ले लिया है। और अब फाइनली टाटा मोटर्स ने इसको रिवील भी कर दिया है, अब सिर्फ इसके प्राइजेस सामने निकल कर आने बाकी है। इस वीडियो के अंदर मैं टाटा कर्व को कंपेयर करने वाला हूँ हुंडई क्रेटा के साथ। हालांकि दोनों ही कारों का एक दूसरे के साथ मुकाबला होने वाला है और ये जानने की कोशिश करेंगे आपको 2024 में टाटा कर्व को खरीदना चाहिए या फिर आपको हुंडई क्रेटा को खरीदना चाहिए, दोनों कारों के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है एक्सटीरियर के तौर पर, इंटीरियर के तौर पर, इंजन के तौर पर, सब कुछ चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर कहीं पर भी आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर कर लेना। यहाँ पर हम सबसे पहले डायमेंशन से स्टार्ट कर लेते हैं। टाटा कर्व की लेंथ 4308 mm की रखी गई है, वही हुंडई क्रेटा की लेंथ 4330 mm की रखी गई है। यहाँ पर हुंडई क्रेटा की लेंथ लगभग 22 mm से ज्यादा है और कर्व की लेंथ आपको थोड़ी सी कम देखने को मिल जाएगी। कर्व की वेट 1810 mm की रखी गई है, वही हुंडई क्रेटा की वेट 1790 mm की रखी गई है। यहाँ पर टाटा कर्व बाजी मार लेती है और टाटा कर्व के साथ आपको 20 mm वेट ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। टाटा कर्व की हाइट है 1630 mm की, वही हुंडई क्रेटा की हाइट 1635 mm की रखी गई है। यहाँ पर आपको 5 mm का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। वही टाटा कर्व के अंदर 2560 mm का व्हीलबेस ऑफर किया गया है और क्रेटा के अंदर 2610 mm का व्हीलबेस ऑफर किया जाता है। क्रेटा के अंदर आपको 50 mm ज्यादा व्हीलबेस देखने को मिल जाएगा। इस चीज का फायदा आपको इंटीरियर की स्पेसिंग के तौर पर देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बूट स्पेस की बात करूँ तो टाटा कर्व के अंदर आपको 422 L का बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा, वही हुंडई क्रेटा के अंदर 433 L का बूट स्पेस ऑफर किया जाता है। तो यहाँ पर बूट स्पेस के तौर पर आपको नॉर्मल सा ही डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। दोनों ही कारों के साथ आप अच्छा खासा सामान कैरी कर पाओगे। वही टाटा कर्व के अंदर लगभग 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है और हुंडई क्रेटा के अंदर 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया गया है। यहाँ पर भी आपको 10 mm का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं डायमेंशन को कंपेयर करूँ तो यहाँ पर आपको हार्डली 10 mm, 20 mm या फिर मैक्स टू 50 mm का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। लगभग आपको दोनों ही कारों के डायमेंशंस सेम ही देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो टाटा कर्व के अंदर आपको एक पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलेगा। ये कार डीजल इंजन के साथ भी आने वाली है और कर्व का इलेक्ट्रिक मॉडल भी इंडिया में बिकने वाला है। तो यहाँ पर आपको सभी ऑप्शंस मिलने वाले हैं टाटा कर्व के साथ। वही हुंडई क्रेटा के अंदर एक डीजल इंजन ऑफर किया जाता है, दो पेट्रोल इंजन ऑफर करे जाते हैं। हालांकि क्रेटा का इलेक्ट्रिक मॉडल शायद 2025 या फिर 2026 तक इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, लेकिन टाटा कर्व का इलेक्ट्रिक मॉडल 7 तारीख को लॉन्च हो जाएगा। उसके प्राइजेस भी 7 अगस्त को रिवील किए जाने हैं। तो यहाँ पर ये एक एडवांटेज आपको टाटा कर्व के साथ देखने को मिल जाएगा। टाटा कर्व के अंदर 1.5 L टर्बो TGDI पेट्रोल इंजन ऑफर किया है। ये इंजन 122 BHP की पावर आउटपुट और 225 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस कर लेता है। वहीं हुंडई क्रेटा का नॉर्मल 1.5 L 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन 113 BHP की पावर आउटपुट और 143 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस कर लेता है। लेकिन इससे ज्यादा पावर आउटपुट आपको हुंडई क्रेटा के टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ देखने को मिल जाएगी, जो कि लगभग 157 BHP की पावर आउटपुट और 253 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस कर लेता है। यहाँ पर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ काफी खतरनाक तरीके से पावर आउटपुट आपको मिलने वाली है, लेकिन ज्यादा माइलेज के लिए आप नॉर्मल पेट्रोल इंजन के साथ भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कर्व के साथ टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने वाला है, लेकिन क्रेटा के साथ एक नॉर्मल सा पेट्रोल इंजन जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन रहेगा वो भी मिलेगा और आपको टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी मिलने वाला है। तो क्रेटा के पेट्रोल इंजन के साथ आपको दो ऑप्शंस मिल जाएंगे, वही कर्व के साथ आपको केवल एक ऑप्शन मिलने वाला है। हालांकि कर्व के साथ आपको 122 BHP की पावर आउटपुट मिल जाएगी, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी खासी है और यहाँ पर
पर माइलेज और परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर मैं डीजल इंजन की बात करूँ तो टाटा कर्व के अंदर 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन ऑफर किया जाएगा। ये इंजन ऑटो एक्सपो में शोकेस हो चुका है और इस इंजन के साथ आपको 113 bhp की पावर आउटपुट और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलने वाला है। वही क्रेटा का डीजल इंजन लगभग सेम पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर लेता है, लेकिन यहाँ पर आपको 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल पावर फिगर्स को कंपेयर करूँ तो यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा पावर फिगर्स के अंदर। हालांकि डीजल इंजन लगभग सेम पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर लेता है, सिमिलरली आपको माइलेज के तौर पर भी काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। लेकिन टाटा कर्व के अंदर आपको एक बेनिफिट मिलने वाला है कि टाटा कर्व का इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च होने जा रहा है, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है। हालांकि टाटा कर्व का जो टर्बो पेट्रोल मॉडल रहेगा उसके साथ आपको परफॉर्मेंस भी मिलने वाला है और शायद अच्छा खासा माइलेज भी मिल सकता है। तो ये चीज़ें थी इंजन के रिलेटेड। और हाँ, यहाँ पर मैं ट्रांसमिशन के बारे में आपको बताना भूल गया, टाटा कर्व के साथ आपको 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाएगा, DCT गियरबॉक्स ऑफर किया जाएगा और AMT ट्रांसमिशन का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। वही क्रेटा के साथ भी आपको मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये सभी चीज़ें आपको इंजन के तौर पर मिल जाएंगी। मेरे हिसाब से अगर आपको इंजन को कंसीडर करना है तो आप यहाँ पर कर्व के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर आपको क्रेटा के नॉर्मल पेट्रोल मॉडल के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा पावर आउटपुट और लगभग 225 Nm का टॉर्क मिल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा है। लेकिन अगर आपको डीजल इंजन लेना है तो वहाँ पर आप हुंडई क्रेटा के बारे में सोच सकते हैं। तो ये चीजें थी इंजन के रिलेटेड। वही अगर मैं एक्सटीरियर लुक्स की बात करूँ, देखो टाटा कर्व एक कूपे स्टाइल SUV कार की तरह दिखती है क्योंकि इसको उसी तरीके से बनाया गया है। वही क्रेटा का डिजाइन और स्टाइलिंग आपको थोड़ा सा SUV कार की फील देने वाला है। तो यहाँ पर स्टाइलिंग दोनों ही कारों का अलग अलग है। अगर आपको हुंडई क्रेटा का लुक अच्छा लगता है तो आप इसके साथ जा सकते हैं। अगर आपको एक्सटीरियर में एक नया डिजाइन चाहिए, एक कूपे स्टाइल की फील आनी चाहिए आपको, तो उस सिनारियो में आप टाटा कर्व के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं। क्योंकि टाटा कर्व का जो रोड प्रेजेंस रहेगा वो तो भाई नेक्स्ट लेवल जाने वाला है। ये रोड के ऊपर काफी ज्यादा यूनिक कार दिखने वाली है क्योंकि इस कार को उसी तरीके से डिजाइन किया गया है। लेकिन हुंडई क्रेटा आपको टिपिकल कारों जैसे ही देखने को मिल जाएगी, मतलब जो पैटर्न फॉलो किया जा रहा है स्टाइलिंग के तौर पर, आपको क्रेटा के साथ वही चीजें मिलने वाली है। अब जिन लोगों को कुछ नई चीजें चाहिए एक्सटीरियर के तौर पर, वो लोग यहाँ पर टाटा कर्व के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं। क्रेटा के फ्रंट फीचर में आपको नए ग्रिल का सेटअप देखने को मिल जाएगा। बोनट के नीचे यहाँ पर LED DRL ऑफर किया है और ये चीज आपको कर्व के साथ भी देखने को मिल जाएगी। कर्व के बोनट के नीचे LED DRL का बार ऑफर किया है और इस ट्रेंड को आज के डेट में बहुत सारे ऑटोमेकर्स फॉलो भी कर रहे हैं। सेम चीज आपको दोनों ही कारों के साथ देखने को मिल जाएगी। और जो LED हेडलैम्प की प्लेसमेंट है उसको नीचे किया गया है दोनों ही कारों के साथ। आपको हुंडई क्रेटा के अंदर LED हेडलैम्प की प्लेसमेंट नीचे देखने को मिल जाएगी, वही टाटा कर्व के साथ भी वो नीचे करी गई है। क्रेटा के फ्रंट के बम्पर के ऊपर सिल्वर स्किड प्लेट को ऑप्शन दिया हुआ है। हालांकि टाटा कर्व के जो फ्रंट के ग्रिल्स है वो डेफिनेटली आपको टाटा हैरियर और सफारी की याद देने वाले हैं, क्योंकि टाटा कर्व के अंदर जो ग्रिल्स ऑफर करे हैं इनको टाटा सफारी और टाटा हैरियर जैसे ही बनाने की कोशिश करी गई है। यहाँ पर आपको डेफिनेटली उनकी याद आने वाली है। तो यहाँ पर फ्रंट प्रोफाइल के तौर पर आपको दोनों ही कारों का फ्रंट फीचर कुछ इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर मैं साइड बाय साइड दोनों ही कारों को डिस्प्ले कर दूंगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर टाटा कर्व एक थोड़ी सी आउटस्टैंडिंग लग सकती है कुछ लोगों को, या फिर कुछ लोगों को हुंडई क्रेटा पसंद आ सकती है। अब यहाँ पर साइड प्रोफाइल की तरफ आते हैं। देखो साइड प्रोफाइल में जो सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पर दोनों ही कारों के अंदर है वो है कूपे स्टाइल डिजाइन और नॉर्मल SUV वाला स्टांस। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस आपको दोनों ही कारों के साथ देखने को मिल जाएगा। टाटा कर्व रियर से और सी पिलर से थोड़ी सी छोटी है, वहां पर उसको थोड़ा सा छोटा बनाया गया है कूपे डिजाइन देने के लिए। वही हुंडई क्रेटा का सी पिलर आपको थोड़ा सा बड़ा देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा ऊंचा देखने को मिल जाएगा। इस चीज का इम्पैक्ट आपको सीधा सेकेंड रो के ऊपर देखने को मिल जाएगा। जिन भी लोगों की हाइट 6 feet के ऊपर है उनको शायद टाटा कर्व के सेकेंड रो के ऊपर बैठने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि उसका जो रूफ है उसको थोड़ा सा कम किया गया है और उस चीज की वजह से वहां पर दिक्कत आ सकती है। और ये प्रॉब्लम उन लोगों को आ सकती है जिनकी हाइट 6 feet के ऊपर है। तो यहाँ पर टाटा कर्व के साथ आपको ये एक बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। हालांकि ये प्रॉब्लम आपको हुंडई क्रेटा के साथ देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इसका सी पिलर काफी ज्यादा बड़ा है, उसकी हाइट थोड़ी सी बड़ी रखी गई है। तो ये चीजें आपको ध्यान में जरूर रखनी पड़ेगी अगर आपको इन दोनों में से एक कार को परचेज करना है। वही हुंडई क्रेटा का जो साइड का प्रोफाइल है ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है पुरानी क्रेटा के मुकाबले।
मुकाबले यहाँ पर कुछ चेंजेस करे गए हैं, जैसे कि आपको नए अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे, डोर हैंडल के ऊपर क्रोम फिनिशिंग ऑफर करी गई है, ORVM के ऊपर टर्न इंडिकेटर का ऑप्शन दिया हुआ है, रूफ रेल्स ऑफर करे है। तो ओवरऑल इसका साइड का प्रोफाइल ठीक ठाक है, आपको टिपिकल क्रेटा की याद दिला देगा, लेकिन टाटा कर्व साइड से काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और आई कैचिंग लगती है। इसका डिजाइन शार्प एजेस मुझे तो पर्सनली काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगे है। इसके अंदर ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन के साथ व्हील आर्चेस ऑफर करे है, साइड क्लाइडिंग ऑफर करी है। वही इसके जो डोर हैंडल है वो आपको थोड़े से मॉडर्न देखने को मिल जाएंगे, जिस तरह से महिंद्रा कंपनी ने XUV700 के अंदर डोर हैंडल ऑफर करे थे, अब सेम चीज टाटा मोटर्स ने यहाँ पर कर्व के साथ ऑफर करी है। अब यहाँ पर रियर प्रोफाइल की तरफ आते हैं। देखो टाटा कर्व का रियर का प्रोफाइल दिखने में काफी ज्यादा कूल है, कि रियर से देखने के बाद कुछ लोगों को यहाँ पर सीडान कार की याद आ सकती है, लेकिन ये सीडान नहीं है। इन रियलिटी इसका जो रियर का प्रोफाइल है वो आपको थोड़ा सा बड़ा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर काफी बड़ी LED टेल लाइट का ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि कनेक्टेड फॉर्मेट के साथ आपको मिल जाएगा। रूफ माउंटेड स्पॉइलर दिया हुआ है, शार्क फिन एंटेना भी विजिबल है। आपको रियर के बम्पर्स काफी बड़े मिल जाएंगे और रियर में यहाँ पर सिल्वर स्किड प्लेट का ऑप्शन दिया हुआ है। हालांकि ये चीज आपको फ्रंट में नहीं मिलेगी, ये चीज टाटा मोटर्स ने रियर के प्रोफाइल में प्रोवाइड करी है। तो ये कुछ एलिमेंट्स आपको टाटा कर्व के रियर प्रोफाइल के तौर पर देखने को मिल जाएंगे। वही अगर मैं क्रेटा की बात करूँ तो इसके टेलगेट के ऊपर भी आपको कनेक्टेड काफी बड़ी LED टेल लाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके रियर में रूफ माउंटेड स्पॉइलर दिया हुआ है, शार्क फिन एंटेना भी आपको मिल जाएगा और इसके रियर के बम्पर्स काफी ज्यादा बड़े रखे गए हैं। अगर मैं यहाँ पर कंक्लूजन की बात करूँ, यानी एक्सटीरियर के तौर पर आपको कौन सी कार को खरीदना चाहिए इसकी बात करूँ, तो देखो ये डिसीजन टोटली आपका हो सकता है। अगर आपको कम्प्लीटली न्यू डिजाइन के साथ जाना है तो उस सिनारियों में आप टाटा कर्व के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये रोड के ऊपर कम्प्लीटली नई दिखने वाली है, नया रोड प्रेजेंस आपको देखने को मिल जाएगा। लोग मुड़ मुड़ के देखने वाले हैं टाटा कर्व को, वही क्रेटा को कोई भी नहीं देखेगा। मतलब क्रेटा तो इंडिया में काफी ज्यादा कॉमन बन चुकी है, तो यहाँ पर क्रेटा के हिसाब से आपको वो सीन नहीं होगा कि लोग मुड़ मुड़ कर देखेंगे या फिर आपको पूछेंगे कि भाई ये कौन सी कार है। ये चीज शायद क्रेटा के तौर पर आपको थोड़ी सी कम देखने को मिल जाएगी, लेकिन वही अगर आप टाटा कर्व को परचेस करते हो, आप इसको कहीं पर भी लेके जाते हो, तो वहां पर ये स्टैंड आउट होने वाली है। यानी ये बाकी कारों के मुकाबले काफी ज्यादा अलग दिखने वाली है और शायद लग्जरी कार का भी फील ये आपको देने वाली है। इस चीज की वजह से आप टाटा कर्व के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं। आपको इन दोनों में से किस कार का एक्सटीरियर लुक सबसे ज्यादा बेहतरीन लगा है, अट्रैक्टिव लगा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और कमेंट सेक्शन से ही हमें पता चल जाएगा कि लोग टाटा कर्व को खरीदना चाहते हैं कि नहीं, या फिर लोग आज के डेट में भी हुंडई क्रेटा के साथ जाना चाहते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। अब यहाँ पर इंटीरियर के बारे में बात कर लेते हैं। देखो दोनों ही कारों का इंटीरियर आपको काफी ज्यादा मॉडर्न और लग्जरियस देखने को मिल जाएगा। हुंडई क्रेटा के अंदर काफी बेहतरीन कंफर्ट आपको मिल जाता है और जो फेसलिफ्ट मॉडल है उसके अंदर हुंडई कंपनी ने काफी ज्यादा काम किया है। जैसे कि आपको नया डैशबोर्ड का डिजाइन देखने को मिल जाएगा, नया कनेक्टेड टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल ऑफर किया है। एसी वेंट का भी डिजाइन कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। काफी सारे नए एलिमेंट्स यहाँ पर हुंडई कंपनी ने ऑफर करे है। पैनोरामिक सनरूफ इस कार के अंदर ऑफर किया जाता है। फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन हो गया, लेदर की अपोजिटी हो गई और भी बेहतरीन फीचर्स आपको क्रेटा के साथ देखने को मिल जाएंगी। सिमिलर चीजें आपको टाटा कर्व के साथ भी देखने को मिल जाएंगी। हालांकि यहाँ पर डिजाइन एलिमेंट्स आपको कम्प्लीटली अलग देखने को मिल जाएगा। शायद कम्फर्ट के तौर पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस फील हो सकता है, क्योंकि इसके रियर में यानी सेकेंड रो के ऊपर आपको हेडरूम थोड़ा सा कम मिलने वाला है। इन चीजों की वजह से कम्फर्ट के ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है टाटा कर्व के साथ, लेकिन इन चीजों का फायदा आपको क्रेटा के साथ देखने को मिल जाएगा। यानी क्रेटा के अंदर आपको कम्फर्ट नेक्स्ट लेवल मिल जाएगा और यहाँ पर 19-20 का फर्क भी हो सकता है। फीचर वाइज टाटा कर्व के अंदर आपको भर भर के फीचर्स मिलने वाले है, क्योंकि इस कार की पोजिशन टाटा नेक्सॉन के ऊपर होने वाली है। तो आज के डेट में जितने भी फीचर्स टाटा नेक्सॉन के अंदर ऑफर करे जाते हैं वो फीचर तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। एडिशनली आपको और भी ज्यादा फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। शायद टाटा मोटर्स कर्व के साथ छोटा सा सनरूफ और पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन दे सकती है। ये चीज टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन के साथ ऑफर करी है, सेम चीज आपको यहाँ पर टाटा कर्व के साथ भी देखने को मिल जाएगी। और जो आज के डेट में जो जरूरी फीचर है वो फीचर आपको इस कार के अंदर मिलने ही वाले है। तो इंटीरियर के तौर पर यहाँ पर आपको दोनों ही कारों में 19-20 का फर्क देखने को मिल जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर क्रेटा थोड़ी सी आगे निकल जाएगी कंफर्ट के हिसाब से, वही फीचर के हिसाब से टाटा कर्व यहाँ पर बाजी मार सकती है। अब यहाँ पर सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो टाटा कर्व को नए प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्डअप किया गया है। ऑब्वियसली बात है, टाटा की जितनी भी कार्स इंडिया में बिक रही है उनमें से मेजोरिटी ऑफ कारों को 5-स्टार रेटिंग्स मिले हैं और ये उम्मीद लगाई जा रही है टाटा कर्व भी सेफ्टी में
5 स्टार रेटिंग हासिल कर लेगी। वही अगर मैं कुछ कॉमन फीचर्स की बात करूँ, यानी दोनों ही कारों के साथ आपको ये सेफ्टी फीचर्स मिलने ही वाले हैं। अगर इनकी बात करूँ तो यहाँ पर आपको दोनों ही कारों के साथ 6 एयरबैग्स का ऑप्शन मिल जाएगा। ABS के साथ EBDA फीचर ऑफर किया जाएगा। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको दोनों ही कारों के साथ मिलने वाला है। ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया। हील स्टार्ट असिस्ट, हील डिसेंट कंट्रोल का फीचर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का फीचर हो गया। 360 डिग्री कैमरा हो गया। और ADAS ये फीचर आपको दोनों ही कारों के अंदर मिलने वाले है। हालांकि टाटा कर्व के साथ लेवल 1 का फीचर भी आ सकता है या फिर इसके अंदर लेवल 2 का फीचर भी दिया जा सकता है। हालांकि लेवल 2 के चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि जो लेवल 2 का कैमरा रहता है, जो रडार रहता है, वो विजिबल नहीं था मॉडल के अंदर जिसको रिसेंटली शोकेस किया गया था। शायद मेरे हिसाब से इस कार के अंदर ADAS लेवल 1 फीचर ऑफर किया जा सकता है, लेकिन हुंडई क्रेटा के अंदर आपको ADAS लेवल 2 फीचर देखने को मिल जाएगा। ये एक पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है। जिन लोगों को ADAS के मजे लेने हैं उनको तो टॉप मॉडल खरीदना ही पड़ेगा, और टॉप मॉडल की कीमत आपको 20 लाख के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो ये चीज थी सेफ्टी के रिलेटेड। अब देखो लॉन्चिंग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। टाटा कर्व को 7 अगस्त को ऑफिशियली लॉन्च किया जाना है, यानी इसकी जो कीमत रहेगी वो 7 अगस्त को रिवील की जाएगी। लेकिन इसकी जो एक्सपेक्टेड कीमत बताई जा रही है वो लगभग 10 लाख से बताई जा रही है, यानी इसके बेस मॉडल की एक्सशोरूम कीमत 10 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। आपको क्या लगता है टाटा कर्व की कीमत कितने से शुरू होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। लेकिन हुंडई क्रेटा की कीमत 11 लाख से शुरू होकर 20 लाख 14,000 रुपए तक चली जाती है। टॉप मॉडल के अंदर आपको ऑलमोस्ट सभी फीचर्स मिलने वाले हैं। तो ये सभी चीजें आपको दोनों ही कारों के साथ देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पर कंक्लूजन की तरफ आते हैं, यानी आपको 2024 में हुंडई क्रेटा को परचेज करना चाहिए या फिर आपको टाटा कर्व के साथ जाना चाहिए। देखो मेरे हिसाब से जिन लोगों को नई कार चाहिए, नए पैटर्न चाहिए, नया डिजाइन चाहिए, वो लोग टाटा कर्व के बारे में सोच सकते हैं। इंजन के तौर पर आपको 19-20 का फर्क देखने को मिल जाएगा। हालांकि टाटा कर्व के साथ आपको थोड़ी सी ज्यादा पावर आउटपुट मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप क्रेटा के बारे में भी सोच सकते हैं। अगर आपको कंफर्ट चाहिए, सेकेंड रो के ऊपर अच्छा खासा कंफर्ट चाहिए, उस सिनेरियो में आप डेफिनेटली क्रेटा के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके फैमिली में 6 फीट से नीचे वाले लोग रहते हैं तो आप टाटा कर्व के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं। इन दोनों में से किस कार को आप खरीदना चाहोगे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।